हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल मैथ कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके मैथमेटिकल कंटेंट और साथ साथ केमिस्ट्री अपडेट लेके आता हूँ। तो आज सुबह से, मतलब आज सुबह क्या कह लो, कल रात से लेट नाइट से आज सुबह तक, शाम तक, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट और मेरे यूट्यूब से जुड़े हुए मेरे दोस्त या स्टूडेंट जिन्हें भी कह लो एस्पायरेंट्स है जो, और कई मेरे नोन, उनके मेल मैसेज आ रहे हैं। वो बायोडाटा फॉर्म फिल कर रहे हैं केवीएस पीआरटी के लिए, और बायोडाटा फॉर्म फिल कर रहे हैं केवीएस पीआरटी के लिए कम से कम 8 या 10 होंगे मेरे पास। मैं किसी की प्राइवेसी को डिफेम नहीं करना चाह रहा, इसलिए मैं वो दिखाना नहीं चाहता, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ आपको यकीन होगा डेफिनेटली। अगर आप भी बायोडाटा फॉर्म भरने जा रहे हैं और आप ये गलती कर रहे हैं तो ठहर जाइए। जिन्होंने मुझे भेजा, 8 से 10 लोग थे, या जिन्होंने भी बताया, सबने ऑलमोस्ट यूट्यूब से सुने हुए टीचर्स या यूट्यूबर्स के थ्रू जो बायोडाटा उन्होंने बताया, सबके शब्द भी वही थे। समझ आ रहा है? शब्द भी वही थे, लाइन भी वही थी। तो ये छोटा सा समूह जो मेरे को लोगों ने भेजा, 15 लोगों ने भेजा होगा, 10 लोगों ने भेजा होगा, उनमें से मैक्सिमम 70-80% लोगों के वही लाइन्स है, वही स्टेटमेंट्स है। तो मैं आपको वार्निंग दे देता हूँ कि आप लोगों ने अगर ऐसा कॉपी पेस्ट वाला बायोडाटा लेके गए तो एक बहुत बड़ा नेगेटिव इंप्रेशन होगा, क्योंकि सभी का, मान लो आपके बैच में 50 लोग हैं, 50 में से 30 का वगैरह वही बायोडाटा एग्जैक्टली होगा, तो एग्जैक्टली मतलब वर्ड टू वर्ड स्टेटमेंट वही होंगे, तो वो गलत होगा। मैं आपको क्या कहता हूँ, अब आप ये पूछते सर बायोडाटा लेके गए, सिंपल सी चीज, आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं, केवीएस टीचर क्यों बनना चाहते हैं, प्राइमरी टीचर क्यों बनना चाहते हैं, ये तीन चीजें आपको लिखनी है। समझ आया? टीचर क्यों बनना चाहते हैं, केवीएस टीचर क्यों बनना चाहते हैं, प्राइमरी टीचर क्यों बनना चाहते हैं, ये तीन बातें आपको इतनी सी लिखनी है और अपने बारे में समझाना है। यही आपका गोल है बायोडाटा में, ठीक है? कुछ ऐसा मत लिख देना जो नेगेटिव इंप्रेशन दे, बिल्कुल बड़ा चढ़ा के भी मत लिखना और बिल्कुल डाउन भी मत लिखना, मतलब जो सच्चाई हो वो लिखना। कुछ चीजें कॉपी पेस्ट करी जा सकती है, लेकिन कुछ आपकी ओरिजिनलिटी होनी चाहिए जो इंटरव्यूअर को स्ट्राइक करे कि हाँ ये बच्चा जेन्युइन चीज लिख रहा है। क्योंकि जब हम दिल से लिखते हैं, जब हम सोच के लिखते हैं, या फिर जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं, सब में अंतर होता है। इसलिए आप बिल्कुल जेन्युइन चीज लिखना। अगर 10 लाइनें लिख रहे हो, 5 लाइनें लिख रहे हो, 8 लाइनें, जितना भी लिख रहे हो, उसमें से 20-30-40% आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, लेकिन कुछ सिर्फ ऐसा रखना जो सिर्फ आपको फील होता है, आपके दिल में फील होता है कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं इसलिए लिखना, आपके दिल में फील होता है कि आप केवीएस टीचर क्यों बनना चाहते हैं इसलिए लिखना, आपके दिल में फील होता है कि आप केवीएस पीआरटी ही क्यों बनना चाहते हो इसमें लिखना। धन्यवाद।